Assalamualaikum. Waalaikumsalam. जगह दो. कौन आ गया? जगह दो. तुम्हें हमेशा तंग जगहों पे फंसने का शौक है. नीला है या पीला है? अब इनसे पूछ लो क्या है. आसमान जैसा भी हो, चिड़ियों को निशाना ताकने का बहाना मिल गया. अभी तुम्हारे टारगेट मिला हुआ है. चिड़िया अपने निशाने सेट करती है. जी, थोड़ी जगह दे दो. अच्छा जी, जगह दीजिए आप. अच्छा वैसे फवाद भाई, जी बोलिए. मैं आपको लमान भाई को तो आप जानते हैं. जी जी, मैं आपको लाख रुपया दूंगा अगर आप बता दो इसका माथा कहाँ खत्म हो रहा है. अच्छा, और मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, आप मुझे बताओ जेल से बाहर कब आए. सर इनका मतलब मुझे, मैं खुद नहीं कह सकता क्यों मैं इनसे अभी मिला हूँ. अभी मिले हो तो आपकी शादी थोड़ी करनी है. आप ऑल योर, आप दोनों मेरे लिए बड़े एहतराम के. ज्यादा कौन है? नहीं, आप तो मेरे जिगर हैं. बस तो फिर जो जैसा मैं बोलूं आप वैसा करें. फिर तो ये कि बिल्कुल आप ये बताएं मेरे को कि पाकिस्तान में जो आजकल हो रहा है, क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट ओपन हो रहे हैं नए, ये तो मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है, मगर बंद बहुत जल्दी हो जाते हैं. इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कुछ नए जीएम टाइप शेफ्स आ गए. अच्छा, वो जो बुक शेफ होते हैं. हाँ हाँ, अच्छा, और अच्छा, गूगल शेफ. और जिनको जिनको एक ने वाला आगे पता चलता है कि मेरा फीचर यहाँ नहीं है. अच्छा, फीचर का तो भाई कोई कुछ नहीं कहता कि पता नहीं किसका फीचर का. शेफ साहब बताएं, भाई देखो अपने मुल्क में आए ना फ्यूचर बनाने. अपने मुल्क में, अपने मुल्क से भागने के लिए हम हेडफोन लगा के नहीं घूम रहे. अच्छा, अपने मुल्क में आए ना अपना मुस्तकबिल. अच्छा वैसे एक, मेरा मुल्क मेरी धरती मेरी मिट्टी मेरी माँ. तो भाई आप फौज में चले जाते फिर. बिल्कुल, तो फौज में जा सकता तो चला जाता ना, देर कर दी मैंने. फिर आप एक मिनट, ये अभी पीछे जाके तुम बैठ गए थे, ये सेट है बेटा, बाथरूम की जगह है लेकिन बनाई नहीं है अभी हमने. अच्छा फवाद भाई, घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट रही है? वालदा का, वालिद का क्या रोल था? वालिद ने तो आपको पुश किया है, लेकिन इसके अलावा, इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स आपके, फैमिली मेंबर्स ये था कि जब जब ड्यूटी ऑफ करके जाता था घर, तो मुझे डेली की रूटीन के मुताबिक मुझे अब्बू साहब, मेरे जो अब्बू थे उनको बताना पड़ता था आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या सीखा, कोई नई चीज़ ऐसी जो आपने कभी ना की हो, एज ए एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें. और मैं बगैर शेयर किए इतनी ज़्यादा नहीं थी मेरे को कि मैं अपने कमरे में चले जाऊँ, तो मैं उनको सेटिस्फाई करके देन आई विल गो टू माय रूम. अच्छा ये बताएं, आपको जब ये बशीर मिला था तो इसने नहीं, अब्बास से मैं, जब मैंने और अब्बास ने काम एक साथ किया ना, तो उस वक्त हम दोनों ने हार मान ली थी, बी ऑनेस्ट, क्योंकि टोटली चेंज था, हम लोग नहीं कर पाए थे. जाहिर है एक सी फूड रेस्टोरेंट में डेली के अगर 100 कवर हो रहे हैं और लाइव आपने क्रैब्स और लॉबस्टर पकड़ने और फिर आपने तकरीबन 20 और 15 काइंड ऑफ फिश यू इन द बुफे एवरी डे इज नॉट बिग थिंग एंड यू नीड टू मेक. सर मत जाओ, इधर ही रहो. अच्छा, तो वो बड़ा मुश्किल होता था कि आप वो चीज़ को डेली रूटीन में आइस डालना है. मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता कि जो हमारा बुफे होता है वो इतनी हाइट पे होता था, हमें डेली इतने बड़े कंटेनर डालने पड़ते थे आइस के. वो कोई दूसरा शेफ नहीं करता था क्योंकि हम लोग हेल्पर थे. हम दोनों हेल्पर तो खुदा का अलग अलग शुक्र है, ये नहीं हमारे साथ था, मतलब यूं करता है तो बिल्कुल मछली के साथ लगता है, तो बुफे में रखा हुआ. अच्छा शेफ, आपका कोई एक्सपीरियंस जिसको आप आज भी याद करते हो? जी जी, एक है. एक एक मुझे जो मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको मैं हमेशा सोच सोच के हंसता हूँ, अकेले में भी हंसता हूँ, वो आप सुनो जरूर. अभी देखो मैंने बताया नहीं, मुझे हंसी आ रही है. हमारे रेस्टोरेंट में एक फ्रेंच स्टूडेंट आए थे, उन्होंने सीखना था पायला. कम से कम 50 या 40 का ग्रुप था, स्टूडेंट सारे फ्रेंच. तो उन्होंने किचन में आए सारे, उसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों थे, तो उनको शेफ जैकेट और एप्रन और कैप वगैरह दे के कुछ आधों को इस साइड किचन में दिया, जानी कटिंग वटिंग करें, और कुछ को हम लोगों ने रेंज पे खड़ा किया कि किस तरह पायला बनाते हैं. तो मेरा जो बॉस था उस टाइम द बेस्ट पायला मेकर डेट टाइम, तो मैं उसके अंडर काम करता था. तो उन्होंने बड़ा पैन मंगाया, यानी इसको हम आप पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं पतीला, एक पतीला मंगाया उन्होंने, चूल्हे पर रखा, एक दो चूल्हे थे, एक चूल्हे पे एक पैन रखा, वो रखा पतीला और दूसरे में दूसरा. तो एक में वो खुद खड़े थे, एक में जो वो फ्रेंच लड़का वो उनको देख के कॉपी कर रहा था. तो अब वो उनको, अब मैं उनसे आगे इसलिए नहीं कर सकता कि मैं आई वॉज ए जूनियर, सो डू रिस्पेक्ट. तो मैं उनको फॉलो कर रहा था अपने बॉस को,
अब एक चूल्हे पे उसने ऑयल डाला, फिर थोड़ा हाथ देख ऐसे करके हम लोग चेक करते हैं जब पॉट हीट हो गया, फिर ऑयल डाला, अच्छा वो डाला सब कुछ को वेजिटेबल अनियन गार्लिक सोते करने के बाद उसने चिकन डाल दी, वो पक रही है मुझे नजर आ रहा है। अब दूसरा पतीला था उसमें मेरे शेफ ने ऐसे हाँ वो यानी वेरी फ्रैंक, उसने ऑयल डाला, फिर उसने अनियन गार्लिक डाला, ऐसे चमचा लाया, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, फिर उसने वेजिटेबल डाल दी, फिर चिकन डाली, हम खड़े में वो भी खड़ा हुआ, वो फ्रेंच लड़कियों से बातें कर रहा है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस और ये ठीक है, और मैं ऐसे खड़ा हुआ, मैंने बोल सोच रहा हूँ यार ये ब्रावो वाला जो है वो तकरीबन बनने की एंड पे है और अभी तक इसकी वेजिटेबल को जोश ही नहीं आया ना पॉट गर्म हुआ। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, मैंने नीचे देखा चूल्हा ही जला हुआ। उसके बाद मैंने इसको बोला अपने शेफ को अब क्या रिस्पेक्ट और क्या, क्योंकि हमें 30 मिनट के अंदर वो फूड सर्व करना था क्योंकि उन्होंने वापस बैक टू द पवेलियन जाना था। मैंने उसको बोला बिग निकम्मा, बोला व्हाट हैपन, मैंने लुक एट दिस, बोला व्हाट, मैंने गो डाउन एंड चेक देयर इज फ्लेम ऑन, ओह माय गुडनेस आई फॉरगेट, ओके नो प्रॉब्लम। वो टाइम जो है वो मैं वो भी हंसता है और मैं भी हंसता हूँ दोनों। ये तो आपका एक मेमोरी वाला था भंड का बताया, मतलब आपने बोला कि मुझसे ये भंड लग गया और अब ऑर्डर पिकअप का टाइम है, टाइम बचा नहीं है आपके पास, उसको कवर कैसे किया? ऐसा कि मतलब लगे कि आप नौकरी फेल हो जाएगी। हाँ भंड ये हुआ, एक बार मेरे किचन में आया एक ट्रेनी, ठीक है, उसको वो बहुत ज्यादा जिसको बोलते ना अभी ट्रेनी था मगर वो इज शोइंग इज नाउ मतलब एक्सपीरियंस शो करा था, हां इज शेफ यानी आगे भागना या आगे भागना, तो वो उसको मैंने बोला ठीक है टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेक पायला, ठीक है, तो उसने कहा ओके सर, तो उसने पैन और क्योंकि मेरे पास जो भी बंदा आता है ट्रेनी तो मैं उसको पहले बोलता हूं यू हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक एंड एवरीथिंग डोंट आस्क मी बिजी टाइम्स, तो फिर वो उसको मैंने बोला ठीक है पहले ऐसा बनता था, उसने बोला सर शेफ जो अभी ऑर्डर आएगा वो मैं बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है, उसने बनाया पायला और 40 मिनट में पायला सर्व करना होता है, चाहे आंधी या तूफान है क्योंकि गेस्ट उसमें हमने अपने मेन्यू में मेंशन किया हुआ है यू नीड टू यू नीड टू मेक द वेट 40 मिनट ठीक है सर्व, तो उसने पायला वाला बना के ओवन के अंदर डाला, तो फिर वो पायला उसने डाला, अब गेस्ट जो है वो मेरे पास आया, उसने वाला शो करके बताया घड़ी व्हाट हैपेंड माय ऑर्डर, मैंने सर जस्ट गिव मी 2-3 मिनट आई विल सर्व योर टेबल ऑन माय सेल्फ, इस बहुत ऑनर की बात है कोई शेफ जाके उसके टेबल पे सर्व करे, तो जब उसने पैन से निकाला वो पायला गिरा दिया उसने जमीन पे गिरा दिया जी, और फिर मैं क्या करता, अब वो भी सहमा हुआ क्योंकि पायला इतना गर्म होता है कि उससे एक हाथ से नहीं उठता क्योंकि जब टेम्परेचर आपको पता डस्टर से पकड़ के फिर फूड पर रख के उसको सर्व किया जाता है, वो उसने गिरा दिया, अब उसने मेरे साथ देखा मैंने उसकी तरफ देखा कुछ नहीं करते, तो फिर मैंने बोला ओके रिलैक्स, मैं गैस की टेबल पे गया, मैंने उसको बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की, मैंने सर आपका पायला गिर गया, आई अपोलोजाइज टू वेट योर ऑर्डर इज लॉन्ग टाइम बट द प्रॉब्लम इज ये पायला गिर चुका है, तो उसने कहा अगर 15 मिनट के अंदर तुमने मेरा पायला सर्व नहीं किया तो मैं तुम्हारे जीएम को तुम्हारे मैनेजर को मैं अभी कॉल करूंगा, तुम्हारे डुए के पर छोड़ जाएंगे, हां डेट मींस आई विल कम बैक ऑल माय लगेज पाकिस्तान, सर वो मैंने पायला उसको मैंने 14 मिनट और 28 सेकंड में उसका पायला उसकी टेबल सर्व कर दिया, लेवल क्या बात है, और अल्लाह का करम हुआ मैं क्या और मेरी औकात क्या जो मेरे पास एक्सपीरियंस था ना वो मैंने सारा शो कर दिया। इनको मशवरा तो मैं यही दूंगा, ये मेरे छोटे भाई जरा और बहुत अच्छे मेरे घर टेमरा कॉन्सेंट्रेट तो कर रहे हैं अपने काम पे, अगर और चीज़ों पे ना करें सिर्फ काम पे फोकस रखें तो इंशाल्लाह एवरीबॉडी वी कैन सक्सेस, और राहिल साहब के लिए जो चीज़ होती है प्रॉब्लम मैं राहिल साहब से डिस्कस करता हूँ, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो या मेरे घर के मसले हों मैं जरूर डिस्कस करता हूँ शेयर करता हूँ और ये भी करते हैं, तो हम लोग की बहुत पुरानी दोस्ती है लमी ऐसी आप लोगों से बॉन्डिंग है आमिर सुमामी सब लोगों से है आपसे 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 शेफ जलाल जो है वो तो अच्छा आप गाड़ी में नहीं वो तो हमारे आप समझ लें कि पानीयों में से हैं। अच्छा आप गाड़ी में कुछ बता रहे थे कि किसी कॉम्पिटिशन में अगर याद है तो क्या होता था? हाँ शेफ जलाल का मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब ये हमारे साथ काम करते थे शेरेटन में
तो वहाँ कंपटीशन होते थे, हमें पता चल जाए जिस कंपटीशन में शेफ जला लें तो हम अपना नाम वापस दे लेते हैं, क्योंकि हमने जीतना ही नहीं है। सही बता रहा हूँ मैं? और ही इज द वन, ऑलवेज नंबर वन। गुड आइडिया, गुड आइडिया, गुड प्लेटिंग। इवन के ये हमारी भी हेल्प करते थे, क्रिएटिव। हां, क्रिएटिव भाई के। इनफैक्ट ये जो जितना भी आप कारनामा देख रहे हैं, नहीं तुम नहीं, ये जितना भी कारनामा है ये सब उन्हीं का किया हुआ है। नहीं, नो डाउट, ये इल्जाम मैं उन पे लगा नहीं सकता। रिस्पेक्ट एज अ प्रोफेशनल, एज अ ब्रदर, नो डाउट ही इज वेरी टैलेंटेड। सर, कोई मशवरा लमान के लिए? इनको तो मैं, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, मेजबान पे चढ़ता है। लमान, लमान, आप इनको लेमन नहीं बोलते? इनसे मैं दो सेकंड मुलाकात है ना मेरी, पहले मैं आया था तो मैंने इनमें एक चीज देखी है, टू बी ऑनेस्ट, इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अपने आप को रिजर्व नहीं रखते, ये हर एक के साथ घुल मिल जाते हैं। इट्स वेरी गुड थिंग। ऐसा बंदा जो है, फ्लेक्सिबल बंदा, दुनिया में कभी मार नहीं खाता। हो सकता है इसी बात पे हमें दो तीन पहले भी पता चला हो, एक अंकल ने हमें बोला कि इसको अपने साथ रखो, ये तुम्हारा नसीब है। अगर ये किसी ने बोला हुआ तो आई बिलीव दैट, क्योंकि कुछ लोगों के साथ मिलने से वाकई में नसीब चपकता है, ऐसा शाइनिंग होता है, और कुछ लोगों के साथ रहने से आप जो है आसमान से जमीन पा जाते हैं। अच्छा सर, ये तो बहुत सारी बातें हो गई और आपका सब कुछ एक्सपीरियंस और बहुत सारा हमने शेयर कर लिया। अब कुछ हमारी नई जनरेशन जो इस फील्ड की तरफ आ रही है, ठीक है, उनके लिए कोई अच्छा सा, कोई बेहतरीन सा मशवरा? और सर मैं दो लाइन मैसेज, मैं यही कहूँगा कि टीचर जो है अपना, जो आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, उसको अगर आप अपना मॉडल बना लें कि मुझे ऐसा बनना है, बशर्ते कि वो टीचर मॉडल के काबिल हो, काबिल हो, उस पर स्किल्स हो जो आपको ट्रैक करें कि यार ये बंदे में बहुत टैलेंट है, मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप उसके साथ जुड़ जाएं। ठीक है, बिल्कुल बी ऑनेस्ट। जो ये नहीं देखें हम बड़ी, अब मैंने एक घंटा पहले आना है और दो घंटे पहले जाना है, आप देखें मुझे करना क्या है फ्यूचर। सही बात, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन में, अगेन आपको ये चीज़ बोलूँगा, और दूसरी बात ये कि दोस्ती महदूद करें, उनके साथ दोस्ती करें जो आपको समझते हैं, आपके मोहसिन हो, मोहसिन ज़ाहिर है, जो मोहसिन होता है उसको मतलब बोलता नहीं, मगर अननेसेसरी पीपल को अपने सराउंडिंग में जगह मत दीजिए। सही बात, ठीक है, जो आप समझते हैं आपकी फील्ड के हैं, आप उससे कुछ लेके ही उठेंगे। जो आप ऐसे बैठोगे, ये टाइम पास है, और ये जिसको बोलते हैं ना, ये गलियों का लड़का है, और ये रातों को देर से जागते रहता है, घूमता फिरता है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, दैट्स माय कंसर्न, आई एम वेरी फोकस्ड। What you want to do? Focus. सिर्फ focus रहना है। Focus रहना है। ये मत समझना कि मैं नहीं कर सकता, हर आदमी सब कुछ कर सकता है, जहाज उड़ा सकता है इंसान, ठीक है, मिस्टेक होती है, 300 आदमी को लेकर गिरा भी देता है वो, इतना एजुकेटेड होता है, इतना पढ़ा लिखा होता है, नहीं इतना एजुकेटेड होता है, कितना एक्सपीरियंस होता है, मगर 300 लेकर आदमी को लेकर गिर जाता है वो, मिस्टेक होती है, मिस्टेक से डिसाइडेड होना चाहिए, और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो शेफ आपका अच्छा टीचर है तो उसको ऑलवेज डू रिस्पेक्ट। अच्छा, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस कितना ऐसा है, मतलब 12-15 साल से ऊपर? ज्यादा हो गया होगा। आपके एक्सपीरियंस में आपने आज तक कितना बड़ा चावल लिया, और पानी के अंदर कभी फ्राई होते हुए कुछ देखा है? दो बजे बताना, पानी के अंदर फ्राई? पानी के अंदर फ्राई? फ्राई हाँ भाई, ये तो मैंने तो आज तक नहीं देखा। यानी अब सुन के ऐसा लग रहा है जैसे आपने तो खुदा की कुदरत ही बदल दी। नहीं, आपने सब कुछ ही चेंज कर दिया। हाँ बिल्कुल, आपने बोला कि आसमान का कलर पीला है, ये बात कर दी आप, ठीक है सर, मैंने तो आज की जिंदगी में कोई गधा ही होगा इतना बड़ा बड़ा चावल तो मैंने नहीं देखा। अरे अनवर भाई आ गए, यही तो है जिन्होंने इतना बड़ा चावल निकाला था, जो एक एक असल में नहीं, चावल इन्होंने, मैं बताता हूँ, चावल इन्होंने छोटा ही बोला था, लेकिन असल में लमान को आदत है वो चीजें, और एक और भी फवाद भाई, फ्राई कबाब, फ्राई पानी के अंदर, पानी के अंदर खत्म खत्म, बॉयल हो रहा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह। लेकिन एक बात है, और हमारे साथ मौजूद है, उस्ताद की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, पकड़ो उस्ताद की इज्जत करो।